हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस के बारे में जो कि कुछ वर्ड्स के साथ पर्टिकुलरली फॉलो किए जाते हैं। तो लेट्स गेट गोइंग, चलते हैं। पहला मैंने फ्रेंड्स लिया है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले दे अराइव्ड इन स्पेन और दूसरा सेंटेंस है दे अराइव्ड एट द होटल। अब यहाँ पे एक जगह अराइव के बाद इन यूज हो रहा है, अराइव के बाद एट यूज हो रहा है। फ्रेंड वैसे इन और एट को हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया है पहले, लेकिन अराइव वर्ड के साथ डिस्कस नहीं किया है। एट भी यूज हो रहा है और अराइव के साथ इन भी यूज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अराइव के बाद, या आपको थोड़ा पता हो तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इन जो है एक लार्ज एरिया, लार्ज स्पेस के लिए यूज किया जाता है, और एट यूज करते हैं एक स्मॉल एरिया, स्मॉल प्लेस के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे अराइव के बाद अगर एक बड़े एरिया, एक बिग प्लेस की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, तो वहां पे अराइव के बाद क्या यूज करा मैंने? इन। दे अराइव इन स्पेन, वो स्पेन पहुंच गए। दे अराइव इन इंडिया, वो इंडिया में पहुंच गए, आ गए। तो यहाँ पे इन इंडिया की बात आ गई, इंडिया है, तो जाहिर सी बात है अराइव के बाद आपको प्रीपोजिशन इन यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दे अराइव एट द होटल। तो होटल एक स्मॉल प्लेस की बात हो रही है, एक होटल कंपेयर टू कंट्री, होटल का एक ऑब्वियसली स्मॉल जगह है, तो वहां पे अराइव के बाद हमें एट लगाना है। तो अराइव के बाद इन भी हो सकता है और अराइव के बाद एड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आगे अगर बिग लार्ज एरिया कंट्री की बात हो रही है तो इन लगाएंगे, छोटे स्मॉल प्लेस की बात हो रही है तो अराइव के बाद एट लगाएंगे। होप क्लियर हो गया होगा ये। जैसे एग्जांपल दूसरा है, दे अराइव एट द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अराइव एट द स्टेशन, अराइव एट द एयरपोर्ट, अराइव एट द होटल। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे हम लोग एट लगाएंगे क्योंकि छोटी जगह की आगे बात हो रही है। अगर बिग एरिया, लार्ज एरिया की बात हो रही है तो अराइव के बाद हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। गेट, अब जैसे एग्जांपल लेकर, ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम फॉर हिज ट्रेन। ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम फॉर हिज ट्रेन का मतलब हुआ वो स्टेशन पहुंच गया ठीक टाइम पर ही अपने ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस है गॉट टू, गेट टू का मतलब यहाँ पे पहुंचना के लिए यूज करते हैं, रीच के लिए, रीच भी यूज कर सकते थे। तो गेट के बाद प्रीपोजिशन मैंने क्या यूज करा? टू। तो गेट टू का मतलब क्या हो गया? गेट टू द स्टेशन मतलब रीच द स्टेशन, वी गॉट टू द स्टेशन। अब गेट टू है यहाँ पे, गेट टू का मतलब पहुंचना हो रहा है। अब गेट को आप किसी भी फॉर्म में यूज करें अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब यहाँ पे टेंस के हिसाब से पास्ट टेंस की बात हो रही थी, तो गेट को हमने गॉट में चेंज कर दिया, लेकिन प्रीपोजिशन आगे क्या है? टू। He got to the station just in time for his train. जैसे आपने कहा कि we got to the college in time. हम लोग college time पर पहुंच गए। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से sentence use कर सकते हैं। Get to का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहुंचना। Next देखते हैं, I want to get to Berlin before dark. मतलब मैं बर्लिन जो है डार्क, अंधेरा होने से पहले पहुंचना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए want to, तो टू यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीपोजिशन नहीं है, टू यहाँ पे इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव समझते हैं, आगे वर्ब यूज हो रहा है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे want के बाद आगे वर्ब get यूज कर रहे हैं, इसलिए टू। लेकिन get to जो है ये प्रीपोजिशन है, get to का मतलब यहाँ पे भी पहुंचना हो रहा है। I want to get to Berlin before dark, मतलब I want to reach Berlin before dark, dark होने से, अंधेरा होने से पहले मैं बर्लिन पहुंचना चाहता हूँ, डार्क होने से पहले मैं बर्लिन पहुंचना चाहता हूँ। जैसे आप छोटा मोटा एग्जाम्पल एक और ले लें, आई वॉन्ट टू गेट टू दिल्ली बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले मैं दिल्ली पहुंचना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे पहुंचना के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? गेट टू। हालांकि रीच भी यूज कर सकते थे, लेकिन गेट यूज करा तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है? टू। गेट टू का मतलब क्या हो गया? पहुंचना। इसकी जगह पे गेट इन भी बोल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आगे, वी कैन गो ऑन फूट, हम पैदल जा सकते हैं, चल सकते हैं। तो यहाँ पे पैदल के लिए इसके पहले भी हमें क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन ऑन यूज करना, ऑन फूट। कई बार हम मिस्टेक से बोल देते हैं बाय फुट, तो बाय फुट नहीं बोलना, ऑन फुट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वी गेट इनटू अ पब्लिक व्हीकल, वी गेट इनटू या वी गॉट इनटू भी यूज कर लें। वी गॉट इनटू पब्लिक व्हीकल का मतलब क्या हुआ? हम लोग पब्लिक व्हीकल पर, पब्लिक गाड़ी जो थी उस पर हम लोग चढ़ गए। अब यहाँ पे गेट इनटू का मतलब क्या हो रहा है? चढ़ना, सवार होना। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या यूज कर दिया गया? गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब क्या हो गया? बोर्ड। बोर्ड मतलब भी सवार होना, चढ़ना। तो उसकी जगह पर हम लोग गेट इनटू यूज करते हैं, इनटू प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी गॉट आउट ऑफ अ पब्लिक व्हीकल, वी गॉट आउट ऑफ अ पब्लिक व्हीकल। गेट आउट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? गेट आउट ऑफ पब्लिक व्हीकल मतलब पब्लिक व्हीकल से हम लोग उतर गए, उतर जाना के लिए यहाँ पे इंग्लिश यूज कर रहे हैं गेट आउट। आउट क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे गेट ऑफ भी यूज कर सकते थे, आउट। गेट आउट का मतलब यहाँ पे इंग्लिश क्या, हिंदी क्या हो रही है? उतरना। ठीक है, और गेट इनटू का मतलब क्या हो रहा है? चढ़ना, सवार होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, गेट इनटू द फ्लैट भी यूज कर सकते हैं, फ्लैट के अंदर। अब यहाँ पे गेट इनटू का मतलब अंदर आना, एंट्री लेना के सेंस में है। जैसे ही गॉट इनटू द फ्लैट, जैसे आपको बोलना है
कि यार चाबी तो खो गई है, अब हम लोग फ्लैट में कैसे जाएंगे, अंदर कैसे जाएंगे, तो आप इंग्लिश बोलेंगे आप वी लॉस्ट द की, हाउ वी विल गेट इन टू द फ्लैट, हाउ वी विल गेट इन टू द फ्लैट नाउ, अब हम लोग फ्लैट में कैसे जाएंगे, वी हैव लॉस्ट द की, हमने की खो दी है, तो वहां पे गेट इन टू का मतलब अंदर जाना, ठीक है, तो वहां पे गेट इन टू यूज करेंगे. नेक्स्ट है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन टू अ यूनिवर्सिटी नाउडेज, आजकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, यूनिवर्सिटी में अंदर जाना मतलब दाखिला लेना बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पे देखें आप कि डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी का मतलब है यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, दाखिला लेना, तो यहाँ पे गेट इनटू ऐसे भी यूज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रपोजिशंस हम लोगों ने आज वर्ड के साथ डिस्कस किया. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद.